नमस्कार आप सभी को, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 10 में कुछ मिसेलेनियस प्रॉब्लम जो कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित है का समाधान करूंगा। प्रॉब्लम है कि एक लीप ईयर में 53 संडे होने का चांस क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होता है और एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होता है। अब हम लोग 366 को 7 से भागा दे देते हैं तो हमको 52 वीक सप्ताह मिलेगा और 2 दिन बच जाएगा। तो 366 डेज का मतलब है 52 वीक्स एंड 2 डेज, 2 दिन। चूंकि हर एक वीक में एक संडे होना ही है तो 52 वीक वी गेट, हम लोग को मिलेगा 52 संडेज अब है 2 दिन बच गया। ये 2 दिन क्या होना है? ये 2 दिन हो सकता है संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे। तो ये आउटकम्स का कलेक्शन एक सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस हो गया ये संडे मंडे 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो सैंपल स्पेस में हमें एलिमेंट्स की संख्या 7 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें इवेंट देखना है। इवेंट में क्या होना है कि एक संडे चाहिए, क्योंकि 52 संडे इधर से हो गया था और इसमें से एक संडे चाहिए। तो इवेंट हो जाएगा कि एक संडे वाला एलिमेंट को यहां से लेना है, एक संडे वाला एलिमेंट होगा संडे मंडे और यहां पर सैटरडे संडे। तो इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 2 हो गया, 1, 2। तो प्रोबेबिलिटी फॉर वन संडे, क्योंकि सैंपल स्पेस ये है, सैंपल स्पेस में कितना संख्या है एलिमेंट 7 और यहां पर संडे वाला 2 ठो है, यहां पर संडे देख रहे हैं, यहां पर संडे देख रहे हैं। तो इवेंट में नंबर कितना हो गया एलिमेंट का, 2 और सैंपल स्पेस में 7। तो इधर से 52 वीक में हम लोग को 52 संडे मिला था, यहां पर एक संडे मिलेगा तो 53 संडे हो गया। तो प्रोबेबिलिटी फॉर
53 संडेज, यही हो गया 2/7। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि हम लोग के पास 4 कॉइन्स है, इसको टॉस करना है। टॉस करने से ये चांस निकालना होगा कि 2 टेल मिलेगा। 4 कॉइन है, 4 कॉइन में से हमको या तो पहला कॉइन में टेल या दूसरा कॉइन में टेल और बाकी दोनों में हेड, पहला कॉइन में टेल, तीसरा कॉइन में टेल और बाकी दोनों में हेड। इसी तरह से हमको 2 टेल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक कॉइन में क्या रहता है। एक कॉइन में एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल, तो इसको उछालेंगे तो हमको आउटकम क्या मिल सकती है, या तो हेड या टेल। और ये आउटकम्स का कलेक्शन को जब ले लेते हैं और एक सेट बना लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस हो जाता है। तो एक कॉइन के लिए सैंपल स्पेस हो गया एक सेट जिसमें हेड और टेल रहेगा। 2 कॉइन को अगर उछालते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो हम लोग इसके लिए एक कॉइन का सैंपल स्पेस को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं दो बार। तो ये हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये हेड टेल मतलब पहला कॉइन में हेड आएगा, दूसरा कॉइन में टेल आएगा। इसी तरह TH का मतलब है पहला कॉइन में टेल, दूसरा कॉइन में हेड। तो यहां देखे कि ये सैंपल स्पेस तो बना, इस सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स तो यहां 4 देख रहे हैं। ये 4 कैसे निकलता है, पहला सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है एक कॉइन के लिए, फिर एक कॉइन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, ये 2 गुना 2 कर देते हैं तो 4 हो जाता है। तो इसी तरह से 3 कॉइन को जब उछालते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो हम लोग एक कॉइन का सैंपल स्पेस को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं और यहां पर हमको सैंपल स्पेस मिल रहा है। इस सैंपल स्पेस में हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट यानी ऑर्डर 3 टपल, मतलब 3-3 यहां पर चीजें रहती है, एच 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 टी एच। तो ये टी एच एच का मतलब है पहला कॉइन में टेल, दूसरा कॉइन में हेड, तीसरा कॉइन में हेड। तो इसी तरह से सैंपल स्पेस बन जाती है। और इस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो इसी के जैसा हम निकाल सकते हैं कि यहां जैसे 2 × 2 हुआ था, यहां तो 2 × 2 × 2, तो 2³ = 8। अब इसी तरह 4 कॉइन को अगर उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में कितना संख्या का एलिमेंट्स होगा, तो एक कॉइन के लिए सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होता है, तो 4 कॉइन के लिए 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2⁴ = 16। तो 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा सैंपल स्पेस में अगर 4 कॉइन को उछालेंगे। अब क्वेश्चन है कि 4 कॉइन तो उछालते हैं लेकिन 2 टेल आना है, केवल 2 टेल आना है। तो 4 कॉइन को उछालने से सैंपल स्पेस में हर एक एलिमेंट में 4-4 चीजें रहता है, जैसे हेड टेल एच टी या टी टी एच एच, इस तरह का। तो 4 जगह हम बना लेते हैं, 4 जगह में किसी 2 जगह पर टेल होना है, जैसा कि यहां एग्जांपल है कि पहला जगह पर टेल, दूसरी जगह पर टेल, बाकी जगह पर हेड, केवल 2 जगह पर टेल देना है। या पहला जगह पर हम टेल दिया, तीसरे जगह पर टेल दिया, बाकी जगह हेड, तो 2 टेल हो गया, हमको टेल से मतलब है। इसका मतलब 4 जगह में से हमें 2 जगह को सिलेक्ट करना है,
तो चार में से दो जगह को सिलेक्ट करने का तरीका कॉम्बिनेशन से संबंधित है। इसीलिए इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 4C2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 4C2। चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट 16 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4C2 और सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2^4। मतलब यहां 6 हो गया, यहां 16 हो गया, ये 3/8 हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में है क्या, हम लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट का पहला 12 लेटर को रेंडमली लिखना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ए और बी के बीच में 4 लेटर हो। पहले हम लोग 12 लेटर लिखने के लिए 12 जगह बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 जगह पर पहला 12 लेटर को हम कहीं भी पर भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको रीअरेंज भी करेंगे। तो 12 लेटर को रीअरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 12, और यही होगा सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गया फैक्टोरियल 12। अब ए और बी को लिखना है। अगर ए को पहला जगह पर लिखते हैं तो बी को 6 जगह पर लिखना होगा, क्योंकि बीच में 4 लेटर लिखना है। ये जगह है 1, 2, 3, 4, 4 जगह पर 4 लेटर लिखना है ए और बी के बीच में। तो इस तरह से ए अगर दूसरे जगह पर लिखते हैं तो बी खिसक जाएगा यहां 7 के जगह पर, तो बीच में 4 जगह बनाना है। इसी तरह ए खिसकते खिसकते 7 प्लेस पर आ जाएगा और बी 12 प्लेस पर चला जाएगा, तो बीच में 4 जगह बनेगा, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग देखें कि इस प्रोसेस में तरीकों की संख्या 7 हुआ, क्योंकि एक खिसकते गया पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, छठा से, सातवां, तो 7 तरीका हुआ। तो ये तरीकों की संख्या 7 हो गया। फिर भी ए के जगह पर बी भी हो सकता है, बी के जगह ए भी हो सकता है, दोनों आपस में भी जगह बदल लेगा, बदल सकता है, क्योंकि ए और बी के बीच में 4 लेटर होना है, चाहे बी पहले रहे चाहे बी बाद में रहे। तो इसका तरीका की संख्या फैक्टोरियल 2, आपस में दोनों का जगह बदलने का। अब है कि ए और बी के बीच में 4 लेटर को सिलेक्ट करना है और फिर रीअरेंज करना है। तो पहले सिलेक्ट करना है, हम लोग के पास तो ए और बी आ चुका है, अब बाकी 10 है, 10 में से 4 को सिलेक्ट करके फिर वो लोग को रीअरेंज करना है। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 10 में से 4 पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर ये 4 लेटर को रीअरेंज कर दिया, मतलब फैक्टोरियल 4 रीअरेंज, 4 लेटर को रीअरेंज करना फैक्टोरियल 4 होता है। अब शेष 6 लेटर रह गया, वो 6 लेटर भी 6 जगह पर आपस में जगह बदलेगा, तो उसका तरीकों की संख्या फैक्टोरियल 6। तो चूंकि सभी पार्ट का काम जो है साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस वर्क, इसीलिए साइमल्टेनियस वर्क में मल्टीप्लाई होता है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट हो गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट हो गया।
अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 10 सी 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 और सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या फैक्टोरियल 12। तो इसको हम लोग बनाते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 सी 4, तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 10 माइनस 4 मतलब फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 और नीचे फैक्टोरियल 12 है। तो ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 कट गया ऊपर नीचे, यहां फैक्टोरियल 10 है यहां फैक्टोरियल 12 है, तो यहां पर ये कट जाएगा तो 11 और 12 बचेगा, मतलब ऊपर में 7 मल्टीप्लाई बाई 2 रहा, नीचे 11 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा 7/66। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि 8 लेटर्स है और 8 एनवेलप है, ये लेटर्स को रेंडमली एनवेलप में भरना है, तो हम लोग को निकालना है कि ये लेटर्स ठीक ठीक एनवेलप में नहीं घुसने का प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास 8 एनवेलप है, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लेटर्स को हम लोग 8 एनवेलप में भरना, मतलब वो सही हो या गलत हो ये देखना नहीं है। तो 8 एनवेलप में भरना मतलब 8 जगह में जगह को अदल बदल करना, मतलब रीअरेंज करना है 8 जगह को। तो 8 जगह में रीअरेंज करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 8, यही हो गया सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गया फैक्टोरियल 8। अगर इवेंट को हम लोग मान लेते हैं कि सही लेटर सही इनवेलप में घुस रहा है, ठीक ठीक इनवेलप में घुस रहा है, तो ये तो एक ही तरीका होगा। और बाकी अगर एक लेटर वो दूसरे का एड्रेस वाला इनवेलप में घुस गया, तो एक ठो अगर गलत हो गया मतलब वो प्रोसेस गलत हो गया। तो सही का तरीका एक है, तो उसको एन ई बोलेंगे, वो एक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गया सही का 1/8। तो बाकी तो गलत है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट प्लेसिंग द राइट लेटर्स टू राइट एनवेलप्स, मतलब जो भी लेटर है वो सही सही एनवेलप में नहीं घुस रहा है, उसका तरीका हो जाएगा टोटल तो 1 होता है 1 माइनस 1/8। तो ये हो गया 1 माइनस फैक्टोरियल 8 मतलब 40320, और ये हो गया 40319/40320। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक घोड़ा ए है, दूसरा घोड़ा बी है, दोनों घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। घोड़ा ए को रेस में जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/5 और घोड़ा बी को रेस में जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो निम्नांकित प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आइदर ऑफ देम विल विन, मतलब कोई भी एक घोड़ा जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दूसरा नंबर, नॉन ऑफ देम विल विन, कोई भी घोड़ा नहीं जीतेगा।
इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। माना कि घोड़ा एक का जीतना को हम लोग एक इवेंट नाम दिया, ये इवेंट का नाम हो गया E1। घोड़ा बी का जीतना को इवेंट E2 नाम दिया। तो यहां पर है इवेंट E1 का प्रोबेबिलिटी 1/5 है और इवेंट E2 का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। चूंकि रेस में दोनों घोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है और भी घोड़ा हो सकता है, अब केवल हम लोग इस दोनों घोड़ा के बारे में ही सोच रहे हैं यहां पर। तो चूंकि कोई एक घोड़ा जीतेगा, चाहे घोड़ा ए जीतेगा, चाहे घोड़ा बी जीतेगा, या कोई भी दूसरा घोड़ा भी जीत सकता है, लेकिन कोई भी दो घोड़ा साथ साथ नहीं जीतना है। मतलब ये केस हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट, तो ये 5 हो गया। तो PE1 इंटरसेक्ट E2 इक्वल टू 0 हो गया। अब नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 में है कि कोई एक घोड़ा जीतेगा, चाहे E1 या E2। तो PE1 यूनियन E2 निकलना है, या तो E1 जीतेगा या E2 जीतेगा, तो दोनों का यूनियन हो गया। तो ये यूनियन PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्ट E2। तो PE1 है 1/5, PE2 है 1/4 और इंटरसेक्शन वाला का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये हो गया 20 हो गया, या 4+5 तो ये 9/20 हो गया। ये नंबर 1 इसको मान लिया। अब नंबर 2 को सॉल्व करना है। नंबर 2 में है नान ऑफ देम विल विन, मतलब E1 भी नहीं जीतेगा, E2 भी साथ साथ नहीं जीतेगा, मतलब कंप्लीमेंट हो गया प्राइम और इंटरसेक्शन, इसका प्रोबेबिलिटी। तो डी मोर्गन थ्योरम से ये हो जाता है PE1 यूनियन E2 का होल प्राइम, मतलब 1-PE1 यूनियन E2, मतलब हो गया 1-9/20, मतलब हो गया 11/20। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 or 11 इन थ्रो ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाई को उछालना है। उछालने से जो सैंपल स्पेस बनती है, उस सैंपल स्पेस में हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहता है। तो अभी ये जो ऑर्डर्ड पेयर में जो रहता है, वो ऑर्डर पेयर का 2 नंबर्स का जोड़ या तो 7 या तो 11 होगा, इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक डाई को अगर उछाल लेते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बनता है। तो सैंपल स्पेस एक सेट हो जाता है, तो उस सेट में एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहता है। तो 6 एलिमेंट होता है एक डाई को उछालने से। तो 2 डाई को अगर उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो एक डाई का जो सैंपल स्पेस होता है उसी का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 बार ले लेते हैं और उसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट मिल जाती है। वही सैंपल स्पेस होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है कि वही कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग निकालते हैं सैंपल स्पेस में ns। तो n
एक डाई के लिए सैंपल स्पेस लिखा, दूसरे डाई के लिए सैंपल स्पेस लिखा और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो ये नंबर जो निकलता है, तो एक डाई का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में 6 मल्टीप्लाई दूसरा का भी सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 36। अब है कि हम लोग 7 को लेना है, 7 बनेगा दोनों जोड़ 7 बनेगा, तो उसका इवेंट का नाम E1 दे दिया। और E1 कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 6 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, 6 1 6 1 में भी 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, इसी तरह बाकी भी एलिमेंट्स में ऑर्डर्ड पेयर पे हैं तो नंबर को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। तो इस तरह का E1 बन गया, यहाँ E1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, अब 11 बनाना है। 11 कैसे होगा, उस इवेंट का नाम हम लोग E2 दिया और E2 में 5 6 ऑर्डर्ड पेयर और 6 5 ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गया, तो पहले हम लोग को PE1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो NE1 बाय NS, NE1 है 6 बाय NS है 36, तो ये हो गया 1 बाय 6। PE2 निकालना है तो NE2 बाय NS, तो NE2 है 2 बाय 36, तो ये 1 बाय 18 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 में कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, E1 इंटरसेक्ट E2 कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए 5 हो गया। तो PE1 इंटरसेक्ट E2 तो 0 हो गया। अब करना है क्या, गेटिंग 7 और 11 और है, इसीलिए यूनियन PE1 यूनियन E2, तो हो गया PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्ट E2, तो ये हो गया 1 बाय 6, ये हो गया 1 बाय 18, ये हो गया 0। तो 18 LCM हो गया, ये 3 प्लस 1 4 बाय 18 मतलब 2 बाय 9। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।